तो ये देख रहे हो उस दरिंदे को यहाँ पे आप पड़े हुए तो आगे दिक्कत तुम्हारे कपड़े पहन के लीजिए। तो भाई ये कोई बात नहीं, टी शर्ट अच्छी लग रही है एडिडास की, वैसे लड़कियों के उसमें से उठा के लेके आया था मैं, अच्छी लग रही है। झूठ बोलो, लड़कियों में से लेके आए थे, नहीं नहीं लड़कियों के में से लाया मेरे था, साथ ही लाए थे जबरदस्ती झूठ। तो फिर वो लोवर थी एडिडास वगैरह, लोवर ये लोवर चाहता है लड़कियों कि मैं वाली नए थी कपड़े ना खरीदूं, उसके उतरन पहनूं हर दिन। वो टप्पा बनना चाहता है, मुझे अच्छी बनाना चाहता है, लेकिन मैं इसको अच्छी बनाऊंगी, खुद टप्पा तो बनूंगी। भाई देखो ये इच्छी इच्छी ऑल टाइम हो रखा है हमारे, तो घड़ी ना, मैं टाइम दिखा रहा हूँ देखो हमारा टाइम हो रखा है, टाइम क्यों रहा है, हमें घड़ी गिफ्ट करो दोस्तों। टाइम क्या रहा बताओ ना यार, टाइम हो रहा है 9:30। आई वॉच पहन रही है अब तो बता दे, 9:30 बज रहे हैं, 9:30 साढ़े नौ बज रहे हैं रात के, और ये मैडम अपने घर जा रही हैं और मेरे भरोसे बैठी हैं, और मैंने बोल दिया कि मेरे भरोसे तो भैया बैठे हुए, मैं तो अगर ऐसा अगर आदमी हूँ तुम टाइम मुझे पे ना कर नहीं देता छोड़ हूँ। यस नहीं तो छोड़ गए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, छोड़ के नहीं आए, सही बोला ना, क्या अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, बस ये बता रही हूँ। ये ऑफिस का काम कर रही होगी इस टाइम भी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट ऑफिस तो लोग काम आउट है, हो गए, 9:30 बजे काम कर रही हो, इम्पोर्टेंट काम है, मैं एडिट क्यों नहीं कर पा रही इसको वाह आज। इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, काम के चीज के इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, चलो फैशन मुझे देखो भाई, देखो इसकी उल्टी टी शर्ट भाई, ऐसे किसी के साथ हुआ आज तक कमेंट करके बताओ, ये बैग टांग रखा बेचारे ने, उल्टी टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, कोई हमें सोचते गए बीमार होने जा रहे हैं। मैंने आज अन्नू को बोल दिया था कि अगर ये मुझे घर छोड़ने नहीं आया तो जाएगा महासंग्राम हमारे बीच, दोनों के बीच, तो अन्नू मेरे डर गया उस महासंग्राम से और मुझे छोड़ने आ गया फाइनली, और उल्टी उल्टी टी शर्ट पहन के घूम रहा है अभी भी सारे फैशन में। फैशन एक क्या कह रहे हो, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ लोगों को, इन्फ्लुएंसर हूँ, आग लगे अजकल दे फैशन नू भाई, फैशन बोल देते, पता क्या ये होपलेस हो गया बहुत ज्यादा, मैंने इसको इतना बोल दिया कि मैंने छोड़ के आओ छोड़ के आओ छोड़ के आओ, क्योंकि इसने मुझे पीटी जाने से पहले वादा किया था, अब काफी अंधेरा हो गया रोड पे भी देख सकते हो तुम लोग, 10 बजवा दिए इसने मुझे, मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक, और इसने मुझे वादा किया था पीटी जाने से पहले कि ये मुझे घर छोड़ के आएगा, तो मैंने इसके वादे को लिया पूरे दिल पे, और मैंने इसको फिर फोर्स किया कि छोड़ के आओ छोड़ के आओ छोड़ के आओ, मेन रोड से छोड़ दो, इस टाइम ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेरा पति मुझे रास्ते में टॉर्चर कर रहा है ले जाते हुए, ही इज टॉर्चरिंग मी, मैंने इसको बोला कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो मैं व्लॉग कैसे तुम्हें शेयर करूंगी, तो कह रहा है 2 दिन के लिए गाड़ी यहीं से मोड़ लूंगा, फिर से बोलो ले लो यहीं से, नहीं क्या कह रहे थे दोबारा बोलो जरा, 2 दिन के लिए जाएंगे यहीं से ले लो, कल सुबह 5 बजे घर आ जाओ, टाइम हो सुबह 5 बजे, 10 बज रहे हैं सुबह 5 बजे, 5 बजे घर भाई कह रहा है सुबह 5 बजे घर आ जाओ, रात के 11 बजे मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ, एंड माय मॉम इज वेटिंग फॉर मी, क्या कर रहे हो ब्रो, सो मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं आऊंगी 2 दिन बाद वापस, और ये मुझे बिल्कुल मेरे घर नहीं जाने देता है, सो गाइस कमेंट करके बताना तुम लोगों के हस्बैंड भी ऐसी करते हैं तुम्हारे साथ, मतलब इतने बुरे हैं कि तुम्हारे पति भी, कमेंट करके बताना, लाइट बंद कर रहा है मुझे लेने नहीं दे रहा कैमरे में, तो ये मैं आ गया हूँ इनकी सोसाइटी में और ये यहाँ से जा रही है, होटल हमारी है ये भाई, एक एक करके सारी चीज ले जा रही है, देखो यहाँ से आ गई है, क्या चुरा रही है भाई हमारे घर की बोतलें, बोतल भी ले जाओ, बंद कर दो यार, मच्छर आ रहे हैं, गेट बंद कर, ये वाला गेट खुला छोड़ के मेरे को बाय कर गई है, अरे गेट बंद करो यार, मैं अच्छा ला रहे भैया, ओ कल्लू निकलो, बाय बाय गाइस, बाय अन्नू, बाय बाय, मैसेज कर देना पहुंच के, हां गेट बंद करो, मैं अभी घर आ गई हूँ और अब मैं खा रही हूँ आके खाना, पहले मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ, भूख लगी थी बहुत तेज, मैंने घर पे खाना नहीं खाया था तो मैं यहीं पे आके खाऊंगी, हालांकि कोमल ने दे दिया था बट मैं नहीं खा रही, मेरा मन था मम्मी के हाथ का खाना खाऊं, तो मैं खाना खा रही हूँ, अभी चला गया मैं छोटे घर वापस, तो पहले खो गए चावल पनीर और रोटी, पापा यहाँ पर लेते हुए हैं, पहले हम ये क्या करेला, तो अभी पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं, छोटे चावल तो मैं चावल नहीं खाऊंगी रात को, क्योंकि वर्कआउट के बाद फिर चावल खा लो तो यार थोड़ा सा खाने, तो रोटी भी ज्यादा नहीं चाहिए बट मुझे भूख लग रही है, तो इसलिए रोटी तो मैं खा रही हूँ, 2 रोटी और पनीर और थोड़ा सा ये खा लेते हैं, करेला वरेला छोले वोले, डिनर एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग बहुत देर हमने यहाँ पे वॉक करी भाई, ये मुझे सबसे अच्छा बेस्ट पॉइंट लगता है सोसाइटी में कि आप नीचे किसी भी टाइम घूम सकते हो, और नाओ मम्मी और मैं आपको दिख नहीं दूंगे, अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, बस मम्मी और मैं कर रहे हैं झूले पे एंजॉय, और वो देखो सामने, मतलब रात के 12 बज जाए 1 बज जाए 2 बज जाए किसी भी टाइम आप नीचे निकलो आराम से घूमो, दैट इज द बेस्टेस्ट थिंग जो सोसाइटी में होती है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी आगे कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं हम लोग बात कर रहे थे बैठ के, तो मम्मी ने मुझे एक इंसिडेंट बताया, मम्मी फिर से बताओ जनता को भी हमारी, मम्मी बताओ ना,
तेरे पापा को चोट लगी हाँ। तो 20-20 लड़कियां देखने आती थी इनकी फ्रेंड्स और मेरे को कुछ भी मतलब वो नहीं होता था। मतलब मेरे पापा को एक बार चोट लग गई थी, भांति जी 6 महीने की थी तो काफी छोटे थे उस टाइम, मतलब मैं तो थी नहीं, सॉरी कह रही, छोटे थी तब थी नहीं, तो मम्मी पापा को देखने आती थी जहाँ पापा मतलब जहाँ पे जो उनका काम था ना, बस वगैरह का काम था इनका, तो जो भी लड़कियां जाती थी उस कच्चे से है ना हाँ, तो वहां से 20-20 लड़कियां पापा को डेली देखने आती थी कितने कुछ हो रहा है पापा कितने कुछ हो रहे बहुत कुछ हो रहा है। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी भाई सुबह हो गई, नहा ली मैं, पूजा कर ली सीधा, तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मी यहाँ पे अभी ऐसी घूम रही है क्योंकि मम्मी कुछ कुछ बना रही है, ब्रेड रोल बना रही है मम्मी मेरे लिए, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट और भी रेडी हो चुका है, पापा कर रहे हैं पूजा। अच्छा बन गए ठीक है, लेकिन आई नीड हरी चटनी, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मिशी बाहर गई है ना शायद, मेरी छोटी वाली सिस्टर की भी आज छुट्टी है, वो बाहर गई हुई है कहीं, और इतना मतलब मम्मी पापा का नाश्ता बाहर से आया है, निशी का नाश्ता बाहर से आया है, लेकिन मैं हूँ अभी जिम पे और डाइट पे। कमेंट करके ये मत बोलना कि आप पतले नहीं हो रहे हो, क्योंकि मैं हो रही हूँ। दिखा अभी दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या, मम्मी ये लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये यहाँ पे बहुत टेस्टी आलू की सब्जी मिलती है और बेडनी पूरी होती है ना वो, उसके साथ रायता, छोले और भटूरे। ये मेरा ब्रेकफास्ट है ब्रेड रोल, हालांकि बहुत लोग अभी कमेंट करने वाले हैं कि आप भी तो तला हुआ ही खा रहे हो, लेकिन ये मतलब उतना नहीं है जितना मेरे को लगता है ये सब तला हुआ है। बाहर का खाना मैं नहीं खाना चाह रही, प्रेफर नहीं कर रही हूँ मैं बाहर का खाना, इसलिए ये निशी का ब्रेकफास्ट है छोले भटूरे, ये मम्मी पापा का है बेडमी पूरी और सब्जी और रायता, एंड ये ब्रेड रोल मेरा है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मम्मी हम स्टिल लगी हुई है, मम्मी ने चेंज वेंज नहीं किया है, मेरे काम कर रही है, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम सब लोग साथ में मिलकर। घर में सारी चीजें खा रही हूँ, लेकिन मैं अभी बाहर का अवॉइड कर रही हूँ, बाहर का नहीं खा रही हूँ मैं, कभी कभी खा लेती हूँ जब ऐसा मजबूरी हो जाती है, जैसे ऑफिस गई हूँ तो वहाँ पे मेरी मजबूरी हो गई कि कुछ मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मुझे खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मतलब इग्नोर ही कर रही हूँ, मम्मी बहुत है ये ना है ना। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर, थोड़े थोड़े काम है हमें वो करेंगे, थोड़े से घूमेंगे फिरेंगे चिल करेंगे, और जैसे मैंने बोला था कि शादी की वीडियो आ चुकी है वो भी देखनी है, तो वो अभी तक हम लोग गए नहीं है देखने, रात को लेट हो गई थी आने में बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं जा पाए थे, देखते अगर आता है तो अभी ले आएंगे कैसे कहेंगे कैसे बोल रही पेन ड्राइव, और उसके बाद देखते हैं। सो गाइस हम लोग मार्केट आए, भांजी भी आ गई थी, और शॉपिंग वॉपिंग सब हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने यहाँ पे उड़पती, मेरी मम्मी बचपन से यहाँ डोसा खाते आ रही हैं, तो बचपन की यादें इनकी ताज़ा करवाते हैं, और चलते हैं कुछ खाने पीने, डोसा ही खाएंगे वैसे तो हम, ये इन्होंने शॉपिंग करी है, साड़ियाँ वाड़ियाँ लेनी है सब चीज़ें, एंड नाउ वी आर गोइंग पेट पूजा कर लेते हैं, चलते कुछ खाते हैं। अच्छा भाई मम्मी कैसा लग रहा है आपको अपने बचपन के रेस्टोरेंट में आगे? मम्मी आपको बचपन के रेस्टोरेंट है ये? बचपन का बिल्कुल, मैं ना जब मम्मी बहुत छोटी थी तब से मम्मी यहाँ डोसा खाती आ रही है नाना के साथ। हाँ तो भांजी मैं और मम्मी खा रहे हैं डोसा, और ये किया हमने शॉपिंग, इसमें बहुत सारी साड़ियाँ हैं अंदर, ये हम आपको दिखाएंगे अभी घर जाने के बाद, फिलहाल खा लेते हैं। बेसिकली दी फेमस है डोसा के लिए, है ना, डोसा के लिए फेमस है, और भी आइटम ऐड हो गए, जब मम्मी आती थी शुरू में तब उसमें डोसा फेमस था। सिंदौड़ा बुक कर रहे हैं, इन्होंने ब्लॉग बनाने का भी वेट नहीं किया, खाना शुरू कर दिया, हमने लिया डोसा और इडली और कुछ कुछ और मंगवाया, वो भी आ रहा है, खा लेते हैं भाई पहले। इसका नाम है, देखो छोटा पपी कैसे इन्जॉय कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है। हेलो, बहुत छोटा है अभी, बहुत ही छोटा है अभी, 2 मंथ्स का है। अच्छा 2 मंथ्स का है ये, कितना आराम से बैठा एकदम चिल छोटे। हाँ एसी में रहता है ना ये, वही हो जाता है फिर, अंदर अलाउड नहीं, छोटे डॉग से अलाउड नहीं है। मना कर दिया तो बाहर ले आए, नेसेसरी क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं उससे। हाँ वही है ना, छोटो रहता है। तो गाइस यहाँ पर ये है लाल मन की लस्सी, ये सबसे फेमस लस्सी है, भावना जाएगी का पेट तो मोस्ट फेवरेट है, इसका पेट इतना चटोरा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाती है खुद को, वहाँ से खाया फिर यहाँ रुकते हैं, हम लस्सी यहाँ पे लेके पैक करा रहे हैं, और बहुत खाएंगे हम, बहुत खाएंगे, मेरा ब्लॉग भी बना कुछ। ये देखो जब पहले तेरे हेयर स्टाइल दिखाती हूँ, दिखा दिया ये मैंने, मेरा पति सुपर बाइक राइडर है, मैं स्कूटी राइडर, थोड़ा जोर से बोल ले, मेरा पति है सुपर बाइक राइडर और मैं हूँ स्कूटी राइडर, हमारे घर में सब राइडर है। देखो पूरा देख लो उसको, तो मम्मी ले रही है लस्सी, आगे मत घुसा दियो साउंड को सुनाने के चक्कर में। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, और मैं बहुत नींद हूँ, झोला टांगा बहुत कुछ है, पता नहीं मैं कितनी नींद में हूँ, मैं कितनी नींद में हूँ, ये लोग कह रहे हैं मुझे मज्जा जिम मज्जा, लेकिन मैं जाऊंगी तो जरूर, मम्मी शक्ल भी अच्छी हो रही है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ,
मम्मी तुम आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाती क्योंकि फिर पापा आगे, मैं तो उतर जाऊंगी ना अभी। मेरे पीछे आप लोग हेलमेट देख सकते हो, देखो मेरे इसमें क्या किया, एयरक्राफ्ट लाइट लगाई है हेलमेट को, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ रात में कुछ मेरा हेलमेट जो है उसकी जो लुक है वो कैसी लगने वाली है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, और ये जब लाइट जलेंगी ना गाइस रात को मजे खड़े कर देंगे, अभी देख लें आप लोग सीरियसली, मतलब इतना कूल लगेगा ये। सो ये देखो गाइस, अभी मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि हेलमेट कितना कूल लग रहा है, और इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज है, ये देखो। तो ये मेरा कुछ इस तरह का हेलमेट है। ओए होए भाई क्या जहरी लग रहा है यार, क्या जहरी लग रहा है, वाह मजा। सो इसकी जो लाइट है भाई वो बहुत ज्यादा तेज है हेलमेट की, तो मैंने हेलमेट पे लगा तो लाइट दी है, लेकिन इसको मैं तब जलाऊंगा, मान लो कहीं मैं बाइक पे जा रहा हूँ और रोड पे मैंने ऐसी जगह बाइक खड़ी कर रखी है जहाँ कहीं भी लाइट नहीं है, मैं अपनी बाइक को पेट्रोल सेव करने के लिए मैंने की उसकी ऑफ कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, तब मैं इन वाली लाइट का यूज करूंगा। इनको मैं मतलब रोड पे यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, शो ऑफ के चक्कर में है ना कि भाई देखो हेलमेट में क्या मस्त लाइट लग रही है, किसी पीछे वाले की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो मतलब भाई रोशनी है ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आँख में है ना, मतलब मैंने आंचल को भी दिखाई थी यहाँ पे, आंचल कह रही थी भाई बंद कर दो, आँख में लगती है, मतलब अंधा हो जाता है, ट्रस्ट मी, इतनी सी लाइट है, दो लगी हुई है इतनी, मतलब इसमें कम से कम आठ तरह की लाइट है, आठ कलर की लाइट है, 30 तरह से चलती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। बेसिकली ये हेलमेट लाइट नहीं है, ये लोग गाड़ियों में लगा सकते हैं इसको, या बाइक के नीचे लगा सकते हैं टायर के पास, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग वहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने हेलमेट पे लगा दी है, स्क्रीन मुझे कूल लग रही थी, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार ये ना मेरे पार्किंग लाइट की तरह यूज़ हो सकती हैं, कि हेलमेट रख दिया बाइक के ऊपर, वहाँ इनको जला के छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सही लगेगा। तो अभी मैं इनको रोड पर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यार फालतू में किसी बेचारे का सीन बन जाए, हम भी चार गाली खा लेंगे फालतू में, और कुछ नहीं, कोई कहेगा देखो यार क्या बसड़पंथी करता हुआ जा रहा है, अंधा कर गया हमें, ठीक है, तो पीछे वाले को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भाई मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मतलब खाली जहाँ अंधेरा होगा वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। इस वीडियो में मतलब जितनी भी वीडियो में आप लोगों ने अभी तक मतलब थोड़ा ब्लरनेस देखा है ना, मतलब कि थोड़ा धुंधली धुंधली वीडियो अजीब सी, तो वो सारी आईफोन से बनी हुई है, और जिस वीडियो में तुमने मेरी शक्ल देखी है वो मेरे फ़ोन से बनी है, मतलब एंड्रॉयड सैमसंग से बनी है, मैं बिल्कुल हेटर हो चुका हूँ आईफोन का ना, एप्पल का, जब से मैंने सेल किया आईफोन। और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, बाकी तो मिलूंगा अगले व्लॉग में। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई ऐसे तुम यहीं पर रह जाएंगे ना, ठीक है, अभी हमें आगे बढ़ना है, तो थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ, जैसे जैसे देखो प्यार बढ़ता है तो लोग मतलब हम लोग मोटिवेट होते हैं दूसरों को, जब लगता है ना कि हाँ भाई दूसरा हमें इतना प्यार दे रहा है, तो धीरे धीरे करके फिर हम बाहर भी घूमेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे व्लॉग लाएंगे। और लेकिन जब वीडियो पे आते हैं 200 व्यूज 300 व्यूज, तो आदमी सोचता है यार क्या है यार, पब्लिक 200-300 व्यूज देगी, यहीं कुछ भी बना के चले जाते, तो थोड़ा ना डीमोटिवेशन होता है। जल्दी जल्दी से मोटिवेट करो, अच्छी अच्छी मतलब अगर तुमको वीडियो देखनी है, वैसे तो मैं लाते ही रहूँगा, और अच्छी वीडियो देखनी है, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस।